नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में केरला की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट में क्या रहने वाली है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। साक्षरता की बात करें तो केरला की हमारे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता या एजुकेशन का लेवल भी हल्का है। और जब हम तैयारी करते थे तो केरला PMT का अलग से एग्जाम होता था, उसमें 4 की जगह 5 ऑप्शन आते थे और उसके एग्जाम का अपने आप स्टैंडर्ड रखता था। तो केरला की कट ऑफ है जो कई स्टेटों से बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन 2021 में अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो 600 से 605 मार्क्स रहेगी। इसके अलावा OBC कैटेगरी की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 595 से 600 रहेगी। इसके अलावा SC कैटेगरी की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 420 से 425 रहेगी। वहीं ST कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं, 340 से 350 मार्क्स रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आपकी ये कट ऑफ रहेगी, इसमें आप अधिक से अधिक 5 नंबर का प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए और आप काउंसलिंग की अभी दौर चालू होने वाला, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। और क्योंकि अभी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लोगे तो अच्छा, लेकिन आप काउंसलिंग के टाइम पे अप्लाई करोगे तो कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं और हो सकता है आपसे काउंसलिंग का ये दौर चला जाए। तो दोस्तों, आप काउंसलिंग में आपको बड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना है, क्योंकि काउंसलिंग का भी इतना ही योगदान होता है जितना आपकी तैयारी का योगदान होता है अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ जाके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।